क्या आपका मेल फेमिनिस्ट दोस्त इक्वालिटी में बिलीव करता है और पैंट्स uh, ये एक बहुत बड़ा ही डिबेट है एंड द नेशन वॉन्ट्स टू नो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ द डिफरेंस बिटवीन समबड़ी हुज अ मेल फेमिनिस्ट एंड इज अ मेल फेमिनिस्ट हेलो रू द इक्वलिस्ट एम्पायर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स तो हमने देखे ही हैं ऑफ मैन जो खुद को फेमिनिस्ट बुलाते हैं बट दे एंड अप इन स्कैंडल्स अराउंड सेक्शुअल अब्यूज एंड सेक्शुअल असल्ट और यू नो दे टर्न नाउट टू बी क्रीप्स तो इसलिए अगर कोई खुद को मेल फेमिनिस्ट बुलाता है या वो बोलते हैं वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो बहुत ही टफ हो गया है आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में यू नो व्हाट इज द रियल डील ओवर रियलिटी सबसे फर्स्ट रेड फ्लैग तो यही है कि अगर कोई बंदा स्टॉप ही नहीं कर सकता है बोलना कि वो कितना बड़ा फेमिनिस्ट है वो जैसे ही आपसे मिलता है या कोई भी और औरत से मिलता है सबसे पहले उसको यही बताना है कि वो कितना बड़ा फेमिनिस्ट है वो कितना वुमन्स राइट्स को सपोर्ट करता है और क्या क्या उसने किया है वुमेन्स राइट्स के लिए और आपकी राइट्स के लिए अगर कोई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन रही है जिसमें इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है फिर भी वो अपना फेमिनिज्म उसमें घुसाने की कोशिश करता है और एक्टिविज्म उसमें घुसाने की कोशिश करता है तब आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि देखो आई एम अ फेमिनिस्ट तो प्लीज़ बी विद मी क्योंकि एक्चुअली अगर कोई इक्वालिटी में बिलीव करता है वो उसके एक्शंस में दिख जाएगा यार उसको ऐसे सर पर लिख के घूमने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड थिंग इज अगर कोई आदमी आपको फेमिनिज्म कंटिन्यूसली मैन स्प्लेन करने की कोशिश करता है तो वेल well, वो एक रेड फ्लैग है एंड मैंने ये देखा है अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं लगता है मैं ऑप्रेस्ड हूँ तो बोलेगा नहीं तू है ऐसे नहीं मैं नहीं हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ही नहीं पता पर तू है तू ऑपरेस्ड है क्योंकि अगर मैं उसके साथ ये चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ तो उसकी जो ट्रिक है वो यहाँ वर्क नहीं करने वाली अगर आप ऑपरेस्ड नहीं हो तो वो आपको सेव कैसे करेगा अगर वो आपके अबव नहीं है तो वो नीचे आके आपको सेव कैसे करेगा आप उसकी प्रिविलेज कैसे यूज करेगा सो so, जब आप उससे डिसग्री करते हो अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू फेमिज्मी की उसका रिएक्शन कैसा आता है थर्ड रेड फ्लैग ये है कि अगर वो अपने खुद के जेंडर को बहुत ज्यादा ही हेट करता है और कंटिन्यूसली गिल्ड दिखाने की कोशिश करता है इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है आई एम सॉरी फॉर माई जेंडर की फर्स्टली उसको लगता है कि पूरे जेंडर का ठेका उसने ही लेकर रखा है सेकेंडली इट्स लाइक से अरे अब मैंने सॉरी बोल दिया ये सब जो भी हो रहा है उसके बारे में वट एवर यू डोंट लाइक अबाउट मैन सब चीज के बारे में अभी सॉरी बोल दिया नाउ लेट्स गेट टूगेदर नेक्स्ट रेड फ्लैग ये है कि अगर ही इज नॉट लाइक अदर मैन वीमेन में एक ऐसा फिनमिनन है जिसके बारे में लोग काफ़ी बात करते हैं वो है ओ आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि यू you नो know, उनका मीनिंग उसके बिहाइंड कुछ और ही है सेम थिंग इधर भी अप्लाई होती है एंड अगर आप ऐसे नोटिस करो ऐसे काफ़ी मैन के मेल फ्रेंड्स नहीं होते हैं क्योंकि इफ़ देर आर एनी मैन हु गिव एनी शेट अबाउट इक्वालिटी उन्हें भी ये रिकगनाइज हो जाता है कि यार ये बंदा कोई और ही चीज़ के लिए है इसके अंदर सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ गाय तो नोटिस करो वो कैसे बात करता है अबाउट अदर मैन इन जनरल और नोटिस uh, करो कि उसके कोई अच्छे ढंग के मेल फ्रेंड्स हैं भी कि वो हमेशा ही इज जस्ट अराउंड अदर वूमेन एंड लास्ट रेड फ्लैग जो है जो इतना टफ ही नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए वो है कि वो कितनी बार सेक्शुअल रिलेशन ब्लेटेंटली आपको मैंशन करता है एक सिंपल चीज़ है कि टू ह्यूज एक्सटेंट हमारे कल्चर में जो मेन है दे आर द वंस हु आर सपोज टू चेज वमेन और बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा है तो ये जो वुल्फ इन शिप्स क्लोदिंग का टेक्निक uh, है वो यूज़ करता है वो ओवर कॉम्पनसेट करता है अपने फेमिनिज्म में फॉर द अदर ट्रेड्स विच लैक्स मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता दूँ लुकिंग एट मी जस्ट विजुअली फर्स्ट इंप्रेशन किसी का होता है कि मैं होंगी एक यू नो सोशल जस्टिस वॉरियर सो देर हैव बीन मैन जो मुझे अप्रोच करते हैं एक पूरा अपना फेमिनिस्ट एंगल लेके और साथ में ही ये छोटे छोटे हिंस ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते अबाउट हाउ दे वॉन्ट यू टू बी सेक्शुअली लिबरेटेड फॉर देम एक बार एक वियर्ड ने मुझे फोन भी किया था एक था जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है अबाउट व्हाट वांट एंड व्हाट वॉट वांट एक बहुत ही अच्छा मास्क है टू यू नो आस्क सम रियली क्रीपी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती ऑन कैमरा तो ऐसे ट्रेड्स देखो ऐसे हिंट्स देखो जो यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं एंड अगर आपको पता चले दैट ही इज़ अ मेल फेमिनिस्ट जिसका कोई और ही एजेंडा है इसमें घुसने के लिए स्टे अवे एंड आई नो कि ये वीडियो का कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा ही सिली होने वाला है और बहुत सारे लोग बस इजीली किसी और को बोल देते हैं ओ तू मेल फेमस्ट है तो तू यू नो तू सिंप है और बस जनरलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं अबाउट एनी जो इक्वालिटी को ज़रा भी सपोर्ट करता है एंड उसमें आई थिंक ऐसे जो मेल फेमस्ट हैं उनके लिए और इजी हो जाता है खुद को कैमोफलाज करना इनटू दैट लेन ऑफ नहीं मैं तो इक्वालिटी ही सपोर्ट करता हूँ तो प्लीज़ इजी मत करो क्रीपी लोगों के लिए और फ्रेंकली सम्रेडिटर्स के लिए सोसाइटी uh, में नॉर्मली हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए एंड ऑल आई कैन से सावधान रहें सतर्क रहें एनी वे दैर इज ऑल फॉर दिस वीडियो एक थोड़ा लाइट हार्टेड वीडियो था और थोड़ा लाइट हार्टेड वे ऑफ प्रेजेंटेशन था क्या आप कोई मेल फेमिनिस्ट टाइप ऑफ पर्सन को मिले हो जो एक्चुअली एक क्रीप है आपकी क्या एक्सपीरियंसिस रही हैं और आप क्या चीज नोटिस करने की कोशिश करते हो टू नो की ये कैसा इंसान है Let me know in the comments down below. If you liked this video, laghi, please like it, please share it and uh, you can follow me on Facebook, YouTube and Instagram. Thank you so much for watching. Bye-bye. I'll see you soon.